जी बोले, हसीना जी से बात हो रही है? हसीना जी, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे दोनों हाथ पैर नहीं है। अरे आपका वो तो है ना? हाँ हाँ, उसी से नंबर डायल किया। फोन पागल कहीं का। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है हसीना, मैं निकाल दूंगी आपका भी पसीना। जी शेख साहब, शादी के लिए तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार होती, आप तो बस हमारी इस लौंडिया की शादी करवाती, फिर उसके बाद हम आपके साथ करती दिल लगा के। मेरा मतलब बात करती। ओ जी, नाम बताए अपना। कमीना। कमीना? तू कमीना, तेरे बाप कमीना, तेरे दादा कमीना, मुझे कमीना बोलती है। मेरा नाम है शमीना। मैं भी मशहूर हसीना, लड़ा जाइए शमीना। शमीना बोलती, शमीना। ओ शमीना जी, कैसा लौंडा चाहिए आपको? लौंडा 50 से ऊपर होती, हिट होती, फिट होती, तेल लगा के। लेकिन हमारे देश में तो 50 से ऊपर सारा बुड्ढा होती। ठीक है, आप कल 11 बजे आओ। सलाम करती है हसीना जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बैठे। नमस्ते योगी जी। नमस्ते करती, करती। नमस्कार। आप तो हमारी इस लौंडिया के साथ शादी करती, उसके बाद हम आपको ताजमहल देती। ताजमहल तेरे बाप का है? मैं हूँ एक सन्यासी और मेरा एक उद्देश्य है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। देश के लिए मैंने अपना परिवार खोया, अपने माँ बाप खोए, देश के लिए। मोदी जी नमस्ते करती। नमस्ते। आप इतना हिट होती, इतना फिट होती, शादी क्यों नहीं करती? मित्रों, हमें शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भारत देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मुझे देश के लिए जीना और देश के लिए मरना है। आप इतना स्मार्ट होती, शादी क्यों नहीं मुझे करती? ऐसी मिल रही, मैं मतलब आप लोग की दुआएं। मैंने जिसे चाहा वो मुझे मिला नहीं, अब सारी दुनिया मुझे चाहे, मुझे कोई गिला नहीं। शादी के बाद लड़कियां हक जताती हैं कि तो सिर्फ मेरा है, यह हक मेरे बाप का, मैं उनसे छीने नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं करूंगा। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। हम भी देंगे। मैं दे दे यार, कुर्बानी की बात करो। अरे हाय मेरे बाबू, खाना खाया? अरे घंटा खाया बाबू ने खाना? दुनिया का सबसे बड़ा चुतिया पकड़ है ना, तो यही है। मेरे बाबू खाना खाया? हमें भी देश के लिए कुछ करना और इन महान जैसा बनना। कहते हैं कि अरे कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर एक नाकामयाब आदमी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। औरत ये है, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। ये क्या हो रहा है सीना जी? आप तो बोल रहे थे देश के मुद्दे पे बात होगी। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे।